ताजगंज क्षेत्र के लोग गंदगी के साए में रहने को मजबूर हैं। ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ताजमहल के पास होने से यहां से विदेशी पर्यटक निकलते हैं, जो कि इस गंदगी का फोटो भी खींच कर ले जाते हैं। ऐसे में नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही देश के साथ साथ शहर की छवि को भी धूमिल कर रही है। ताजगंज क्षेत्र के लोग पिछले कई सालों से गंदगी के साए में रहने को मजबूर है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। आलम यह है कि यहां से ताजमहल कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहां से हर रोज हजारों पर्यटक गुजरते हैं। कई पर्यटक तो इस गंदगी का फोटो अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। समस्या ये है कि यहां पर हमारी पुरानी पुस्तैनी दुकानें हैं, यहां पर रोज पानी भर जाता है और ये सफाई कर्मचारियों से कहने के बाद में पैसे मांगे जाते हैं हम लोगों से कि पैसे दो तो सफाई होगी। होली पर जो है चालान काटने के लिए तो ये लोग आ जाते हैं। टूरिस्ट इलाका है, तमाम टूरिस्ट आते हैं, तमाम लोग देखते हैं, मगर सुनवाई कोई नहीं है। समस्या 24 घंटे पानी भरा रहता है, बीच में से नाला चौक है, सबको परेशानी होती है, दुकानदार बहुत परेशान है, इंस्पेक्टर जो बहुत तो सुनता ही नहीं है। वो तो किसी 2-3 बार गए इंस्पेक्टर के पास, उन्होंने कह दी क्या कहते हैं आ रहा हूँ जाओ, सुनते ही नहीं वो तो। समस्या तो सर यहाँ गंदगी देखिए आपके सामने है, यह टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट आते हैं फॉरनर, वो यहाँ की गंदगी का फोटो खींच के ले जाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ताजमहल को गंदगी के चलते शर्मिंदा होना पड़ा हो। इससे पूर्व में भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी ताज की शान में धब्बा साबित हुई है। ताज का दीदार करने आई लिसी प्रिया नाम की एक लड़की ने ताजमहल के पीछे गंदगी को लेकर ट्वीट कर नगर निगम की पोल खोल कर रख दी थी। हालांकि उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों की नींद खुली और वहां पर सफाई अभियान चला। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।